हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू लवली मॉम्स विद कनिका। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं उन लेडीज के बारे में जो बहुत टाइम से ट्राई कर रही हैं प्रेग्नेंट होने का, और वो प्रेग्नेंट हो भी जाती हैं बट किसी ना किसी रीजन की वजह से उनका मिसकैरेज हो जाता है। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि अगर आपका मिसकैरेज हो जाता है तो आपको कितना टाइम वेट करना चाहिए और ऐसी कौन सी टिप्स जो है फॉलो करनी चाहिए जिससे कि आप वापस से प्रेग्नेंट इजिली हो सकती हैं। तो लेट्स बिगिन विद दिस वीडियो। फर्स्ट स्टेप है फ्रेंड, जैसे ही अगर आपका मिसकैरेज होता है तो आपको मिनिमम 3 महीने का वेट जो है करना ज़रूरी है। वैसे तो डॉक्टर एडवाइस करते हैं कि एक मिसकैरेज के बाद आपको एटलीस्ट नेक्स्ट प्रेगनेंसी के लिए 6 मंथ्स का वेट करना चाहिए, बट अगर आप 6 मंथ्स का वेट नहीं करना चाहते हैं, फैमिली से भी प्रेशर आ रहा है, तो मिनिमम आप 3 महीने का जो है वेट करिए ही करिए दोबारा प्रेगनेंसी के लिए। क्योंकि जब आप प्रेगनेंट होती हैं और जब आपका मिसकैरेज होता है तो आपके यूट्रस में, आपके गर्भाशय में एक जख्म हो जाता है जिसे हील होने के लिए टाइम लगता है। तो आपको मिनिमम 3 महीने का टाइम जो है अपने बॉडी को देना ही है। नेक्स्ट स्टेप है फ्रेंड्स, डाइट अच्छी रखनी है। जैसे ही आपका मिसकैरेज होता है तो डेफिनेटली बहुत ही ज्यादा ब्लड लॉस भी होता है और आपकी बॉडी में खून की कमी भी होती है और बहुत ही ज्यादा न्यूट्रिएंट्स की कमी भी होती है। तो अपनी डाइट को अच्छा रखिए, बॉडी को हील कीजिए और फिर ही दोबारा से प्रेगनेंसी का ट्राई कीजिए। आपको अपने हीमोग्लोबिन को बिल्कुल भी कम नहीं होना देना चाहिए, क्योंकि जब मिसकैरेज होता है बहुत सारा ब्लड जो है आपकी बॉडी से निकलता है, तो आपको हीमोग्लोबिन की जो कमी भी है वो हो जाती है। डॉक्टर ने आपको जो भी फॉलिक एसिड, मल्टीविटामिन और आयरन की टैबलेट दी है वो आपको टाइमली लेनी है। अच्छा खाइए, अपनी बॉडी को हील कीजिए, इससे आपकी बॉडी भी जो है दोबारा कंसीव करने के लिए एफिशिएंट बनेगी और आप काफी जल्दी कंसीव कर पाएंगी। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, आपको स्ट्रेस जो है बिल्कुल भी नहीं लेना है। बहुत सी लेडीज का जब मिसकैरेज होता है तो वो वापस कंसीव नहीं कर पाती या उन्हें बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। ऐसा क्यों होता है कि वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले लेती हैं कि अब मेरा मिसकैरेज हो गया है, अब मैं दोबारा कब कंसीव कर पाऊंगी, कंसीव कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, कहीं दोबारा मिसकैरेज तो नहीं हो जाएगा। तो ये सब चीजें आपने नहीं सोचनी है, बिल्कुल पॉजिटिव रहना है। क्योंकि जब भी आप स्ट्रेस लेती हैं तो स्ट्रेस लेने से आपका हार्मोन जो है इम्बैलेंस हो जाते हैं और आपको कंसीव करने में काफी ज्यादा डिफिकल्टी होती है। तो आप योगा ट्राई कर सकती हैं, मेडिटेशन ट्राई कर सकती हैं, एक्सरसाइज ट्राई कर सकती हैं, जिससे कि आपको मेंटल रिलीफ मिले। इससे आपके हार्मोन जो है बैलेंस में रहेंगे और आप जल्दी कंसीव कर पाएंगी। नेक्स्ट टिप है फ्रेंड्स, आप फर्टिलिटी योगा कर सकती हैं। जैसे ही आपका मिसकैरेज हुआ है, आपको दोबारा कंसीव करने का ट्राई करना है, तो सबसे पहले अगर 20 से 25 दिन आपकी बॉडी जो है हील हो गई है तो उसके बाद आप फर्टिलिटी योगा ट्राई कीजिए। फर्टिलिटी योगा ट्राई करने से आपको कंसीव करने में काफी ज्यादा हेल्प मिलती है। नेक्स्ट है फ्रेंड, अगर मिसकैरेज के बाद आपने कंसीव कर लिया है तो आपको डॉक्टर से रेगुलर टच में रहना है। डॉक्टर के पास आप जब भी जाते हैं तो डॉक्टर आपको पूछते हैं कि आपका कोई मिसकैरेज तो नहीं हुआ। आपको डॉक्टर से ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं छुपानी है। डॉक्टर को आप ये चीज़ बताइए कि आपका मिसकैरेज हुआ है और आपने दोबारा से कंसीव किया है। डॉक्टर इस चीज़ को माइंड में रखते हुए आपको कुछ मेडिसिन जो है प्रिस्क्राइब करेंगे। डॉक्टर के टच में बिल्कुल रहना है। डॉक्टर अगर आपको कंसल्टेशन के लिए कहते हैं तो उनसे कंसल्ट कीजिए, और डॉक्टर जो भी मेडिसिन आपको प्रिस्क्राइब करते हैं वो मेडिसिन आप टाइम पर लीजिए। क्योंकि ये मेडिसिन जो है आपको दोबारा मिसकैरेज के खतरे से बचाती हैं और आपकी प्रेगनेंसी को एक सक्सेसफुल प्रेगनेंसी जो है बनाती है।